एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गीतांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल गुड कर्मा 111 में। गाइज, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो लोगों को आपका दीवाना बना देती हैं। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा क्या है जो लोग आपके दीवाने बन जाते हैं। ठीक है, आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो आप लड़के हैं लड़की हैं दोनों के साथ रेजोनेट करेगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा, जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ओके गाइज, अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर, जो कि मैंने अबाउट सेक्शन में लिंक कर दी है। ठीक है, साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे रीडिंग करूं, बट ऐसे सजेशन दीजिएगा जो सबके लायक हो, सबको गाइडेंस मिल सके। देख लेते हैं। ओके, टेम्परेंस, अमेजिंग, ओह गॉड, ओके। बॉटम ऑफ डेक आया है सन एंड जजमेंट। ओके गाइस, जल्दी से मैं इन कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ। आई होप गाइस कार्ड विजिबल होंगे। तो गाइस देख लेते हैं, आपकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसके लोग दीवाने हैं। ठीक है, लोगों को दीवाना बनाती हैं। सबसे पहले तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत नॉलेजेबल होंगे। ठीक है, मे बी ऐसा हो सकता है आप टीचर हो, ठीक है, किसी हाईली पोस्ट पे हो सकते हो, लॉयर हो सकते हो, ठीक है, या मैं कहूँ तो अच्छे एडवाइज़र हो सकते हो। ठीक है, अगर आपका प्रोफेशन ये है भी नहीं, तो आप एक बहुत अच्छे एडवाइज़र हो और साथ ही बहुत मैच्योर हो, हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना जानते हो। साथ ही आप जो लोगों को एडवाइस देते हो वो बहुत हेल्पफुल रहती हैं, बहुत काम पर्सन हो सकते हो, बहुत शांत पर्सन हो सकते हो। साथ ही उसके अपोजिट बोलूँ तो आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हो जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुंह पर बोलता है जो बोलना है, डरता नहीं है किसी से भी, जो किया है अचीव अपनी लाइफ में वो खुद अचीव किया है, जिस बात का आपको घमंड भी होगा, लेकिन लोगों को वो चीज़ बहुत पसंद है, उसी चीज़ के दीवाने हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप डिज़र्व करते हो। अब मैं ये नहीं कह रही कि घमंड करना अच्छी बात होती है, नहीं, बट जो आपकी पर्सनैलिटी में ये आ गया है ना, एक स्ट्रांगपन आ गया है, एक ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड से इंसान, मतलब आपकी पर्सनैलिटी में ना झलकता है कि जो भी आपने हार्डवर्क किया है उसका आउटकम आपको जो मिल रहा है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी में अलग ही दिख रहा है, एक अलग ही नूर है आपके फेस पर, ऐसा हो सकता है। चाहे आपकी एज कितनी भी हो, बट मैच्योरिटी आप में बहुत है, कूट कूट कर भरी है मैच्योरिटी। सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो, कोई भी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो, जिस तरीके से आपने फाइनेंशियली ग्रो किया है, लोग उस चीज़ के दीवाने हैं, वो चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है। साथ ही आप अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस हो, ठीक है, इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों लाइफ को अच्छे से बैलेंस करना जानते हो। ठीक है, ना ज़्यादा इमोशनल होते हो ना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो या बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, ऐसा भी हो सकता है, बट फिर भी बैलेंस करने का बहुत ट्राई करते हो और बहुत अच्छा बैलेंस करते हो। जो ये क्वालिटीज़ हैं इसके लोग दीवाने हैं। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ठीक है, मे बी ऐसा हो सकता है कि पहले आप बहुत स्पिरिचुअलिटी को मानते नहीं थे, या आप स्पिरिचुअल नहीं थे, या मैं कहूँ तो एकदम से आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ठीक है, जो एकदम से ऐसा हो सकता है कि एकदम से आपका जीवन बदला है। ठीक है,
और उसने आपको आपसे अलाइन किया है। लाइक मे बी ऐसा हो सकता है कि आप पहले बाहरी दुनिया में घूमते रहते थे, आपका अंदर से कुछ कनेक्शन नहीं था। ठीक है, मैं एक स्पिरिचुअलिटी के उससे बोल रही हूँ कि आप बाहर के शोर में गुम थे, फाइनेंशियली काफ़ी ग्रो कर रहे हो, सारी अपनी घर वालों को फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा रहे हो, उनका ध्यान रख रहे हो, उनको फाइनेंशियली ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो, उनकी वो सारी सुख सुविधाएं मुहैया करा रहे हो, उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रख रहे हो आप। ठीक है, बट कहीं ना आप अंदर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, अपनी इनर सोल से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा है एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपके जीवन में, जिसने आपको आपसे अलाइन किया है। कुछ है ऐसा जिसने आपके जीवन को पूरा बदल दिया है। मे बी ऐसा हो सकता है कि पहले बहुत ज़्यादा रूड थे, बहुत ज़्यादा घमंड था, वही चीज़ जो मैं बोल रही हूँ कि पहले बहुत ज़्यादा घमंड था, क्योंकि आपने खुद बहुत स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ में, उसके बाद जाके आपने अपना घर, फाइनेंस सब कुछ बनाया है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। तो कभी कभी ना हम इंसान हैं, ठीक है, हमें नहीं पता होता हम कब खुद में गुमान करने लग जाते हैं कि हाँ मैं ये हूँ, हाँ मैं वो हूँ, और वो चीज़ हमें कभी कभी रियलाइज़ नहीं हो रही होती कि हाँ हम क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रियलाइजेशन हुआ है। प्लीज़ नेगेटिव वे में मत ले जाना, मैं उसका पॉजिटिव वे ही बता रही हूँ कि अब आपका जो एकदम से बदलाव आया जीवन में, या जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, उसने आपको आपसे जोड़ा है, उसने आपको बहुत इमोशनली पर्सन बनाया है, या मैं कहूँ तो बैलेंस लाया है आपके जीवन में। ना आप ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, ना ही अब आप ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हो। ठीक है, अब आप अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करते हो, बहुत खुश रहते हो, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते हो, सबके साथ मिलकर काम करते हो, ये सब चीज़ें पसंद है। बट कहीं ना आपको ये पता है कि मुझे जवाब कैसे देना है। उस चीज़ में आपके बदलाव नहीं आया, वो चीज़ अच्छी है। ठीक है, पहले ये था कि शायद ऐसा हो सकता है कि पास्ट में ना एकदम रूखे इंसान हो गए थे आप, जिसे सिर्फ काम से मतलब है, लोगों को ऑर्डर देने से मतलब है, उनसे अपना काम निकलवाने से मतलब है, और कैसे फाइनेंशियली ग्रो करना है, कैसे खुद को आगे बढ़ाना है, उस पर फोकस था आपका उस टाइम। बस आपको ये था जो मेरा हार्डवर्क लग रहा है उसका मुझे आउटकम मिले और दुगना तिगना मिले, मैं वही चाहता हूँ जहाँ भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी अपनी लाइफ में। ठीक है, तो अब उसका जब आपको आउटकम मिल गया है धीरे धीरे, मे भी ऐसा हो सकता है एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन जो आई है उसने आपको बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ तो एक ऐसा पर्सन बना दिया है जो बहुत बैलेंस है, जो अब अपनी फैमिली के साथ टाइम में स्पेंड करता है, सबके साथ घुल मिलकर रहता है। ठीक है, साथ ही ये चीज़ अभी भी है आपके अंदर कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो, बट ये नहीं है कि अब आप अपने इमोशंस को दबाते हो, नहीं, आप इमोशनली हो बट आप अभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जिसकी तलवार हमेशा सीधी रहती है। आपका रुतबा अभी भी वैसे का वैसे ही है, आप अभी भी वही इंसान है, बस जस्ट थोड़े से इमोशंस आपके अंदर आ गए हैं, या जो आपने इमोशंस पहले दबा रखे थे उनको आप थोड़ा थोड़ा आप बाहर ला रहे हैं, क्योंकि अब आपको समझ आ रहा है नहीं, इतना रूखा होना भी सही नहीं होता, इसलिए। ठीक है, अब आप अपने रिलेशन ठीक कर रहे हो, वो चीज़ लोगों को बहुत पसंद है, और यही चीज़ जो आपके अंदर अब ये बैलेंस आया है ना, लोग इसके दीवाने हैं, इस क्वालिटी के दीवाने बन गए हैं वो, कि किस तरीके से आप खुद में बदलाव लाए हैं। आप अभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, सीधी मुंह पे बात बोलना जानते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको पता है कि रिलेशन ख़राब नहीं करने हैं। ठीक है, तो बैलेंस करके चलते हैं, बट कभी कभी अगर रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं तो उसका आप कुछ नहीं करते, फिर हो गए तो हो गए। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पितर हैं वो आपका बहुत सपोर्ट करते हैं, वो आपका बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन करते होंगे। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उन्हीं ने हेल्प की है आपके इस बदलाव में, जो बदलाव आया है आपके जीवन में उस चीज़ में उन्होंने ही हेल्प की है। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है ना, लोग आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी के भी दीवाने हैं। अब मुझे नहीं पता किसके लिए आ रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके का आपका ड्रेसिंग सेंस है, जिस तरीके से आप खुद को मेंटेन करके रखते हैं, वो चीज़ के लोग दीवाने हैं, उस क्वालिटी के, उन्हें वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है आपकी।
ठीक है, इस क्वालिटी के भी दीवाने कि आप अभी भी वही इंसान है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सच मुंह पे बोलना जानता है, अच्छा लगे बुरा लगे। बस जस्ट ये है कि अब आप थोड़ा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ हंसी मजाक करना, या मैं कहूँ अपने फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करना, ये चीज़ अब आपने शुरू कर दी है। ठीक है, बाकी ये चीज़ उन्हें आज भी पता है कि आप आज भी वही सॉलिड और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं, और ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है आपकी। साथ ही आपकी जो ये क्वालिटी है ना, एक सन की तरह चमकना, ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है आपकी, बहुत ज़्यादा पसंद है इस चीज़ को लेके। वो आपकी बहुत तारीफ़ भी करते हैं कि भाई ये इंसान ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लाइफ को जीना जानता है खुलकर। कहाँ प्रैक्टिकल बनना है, कहाँ इमोशनली बनना है, इस इंसान को सब अच्छे से पता है। धीरे धीरे ना आप फ्लेक्सिबल होते जा रहे हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। और जो ये फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हैं ना आप अपने नेचर में, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इस चीज़ के दीवाने हैं कि हाँ भाई आप धीरे धीरे चेंज हो रहे हो, अपने जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हो। ठीक है, साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ऐसा हो सकता है पास्ट में कि आप ना कुछ भी नहीं देखते थे, जो बोल दिया, जो फैसला ले लिया वो ले लिया, उस फैसले को अब मैं भी नहीं बदलूंगा, इस तरीके के आप इंसान थे कि नहीं अब मैंने फैसला ले लिया, अब इसे मैं भी चेंज नहीं करूंगा। पहले ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा करते थे, साथ ही आप देखते नहीं थे, आप आंखों पर पट्टी बांध लेते थे कि अब मैंने ऑर्डर दे दिया, अब जो मैंने फैसला ले लिया सो ले लिया, मुझे कुछ नहीं देखना ना मुझे कुछ सुनना, ये था आपका। बट अब जो धीरे धीरे बदलाव ला रहे हैं, सबकी सुनते हैं, सबके साथ चलते हैं, सबको साथ लेकर काम करते हैं, वो चीज़ लोगों को बहुत पसंद आ रही है आपकी, और इसी क्वालिटी के वो दीवाने भी हैं। साथ ही उन्हें ये चीज़ बहुत पसंद है कि अब आप ना दायरे में नहीं हैं, मतलब अब आप चाह रहे हैं कि मैं अपने उस दायरे से बाहर निकलूँ और चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ, और चीज़ों को जानूँ, और चीज़ों को सीखूँ, और चीज़ों को समझूँ। यही चीज़ उन्हें बहुत पसंद आ रही है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, तो आप पुरानी रीति रिवाजों में चले आ रहे थे, तो अब जो थोड़ी बहुत रीति रिवाज नए नए आ रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को जानना समझना ये चीज़ शुरू कर दी है। या मैं कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा ना ट्रेडिशनल क्लोथ पहनने वाले हों, ऐसा हो सकता है गाइस, बुरा मत मानिएगा, ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल क्लोथ पहनने वाले थे, मॉडर्न ड्रेस या इन सब चीज़ों से दूर रहते थे, बट अब धीरे धीरे अपने ड्रेसिंग सेंस में भी जो चेंज ला रहे हैं ना लोग, उससे भी खुश हैं, उस चीज़ के भी दीवाने हैं कि हाँ समय के साथ आप भी थोड़े थोड़े बदल रहे हैं, अपने ड्रेसिंग सेंस में चेंज ला रहे हैं, अपने खाने पीने में थोड़ा बहुत चेंज ला रहे हैं, वो चीज़ अच्छी है। समय के साथ बदलना बहुत अच्छी बात होती है, हमें भी अपडेट होते रहना चाहिए समय के साथ, तो वो चीज़ के लोग दीवाने बनते जा रहे हैं। आई एम सॉरी गाइज, अगर आपको बैकग्राउंड साउंड सुनाई दे रहा हो तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, उसके लिए सिर्फ मैं माफ़ी मांग सकती हूँ और यही कह सकती हूँ कि प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जो ड्रेसिंग सेंस में आपकी चेंज आ रहा है, उस चीज़ के भी लोग दीवाने हो रहे हैं कि हाँ आप समय के साथ बदल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और ये चीज़ अच्छा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है उन्हें ये चीज़ अच्छी लग रही है कि वो चीज़ आप पे सूट कर रही हैं। फिर चाहे आप थोड़ा बहुत खाने पीने में चेंज कर रहे हैं, मे बी ऐसा हो सकता है आपने डाइटिंग वगैरह शुरू कर दी हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू कर दी हो, योगा मेडिटेशन इन सब चीज़ों से आप जुड़ गए हो, तो वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, वो फ़र्क दिखा रही है आपकी बॉडी पे, तो लोगों को वो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं और उसके वो दीवाने भी बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ें ना जो आप बदलाव ला रहे हैं अपने अंदर वो बहुत अच्छा है। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है ड्रेसिंग सेंस में चेंज हो सकता है, खाने पीने में चेंज हो सकता है, ठीक है, ओवरऑल कुछ भी हो सकता है गाइस, ठीक, वो आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कीजिएगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आप बदलाव ला रहे हैं समय के साथ अपने जीवन में, उस चीज़ के वो बहुत दीवाने हैं, उन्हें वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बदलाव ना केवल आपके लिए अच्छा है बट आपकी फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए भी अच्छा है, ठीक है। और या गाइस मुझे यही दिख रहा है, आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।